फायदा जाने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गौर कीजिएगा मेट्रो के घुमाव पर। तस्वीरों में दिख रहा मेट्रो का ये घुमाव भारत के रेल इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा घुमाव वाला ट्रैक है। जयपुर मेट्रो लगभग 120 डिग्री के घुमाव वाले ट्रैक पर संचालित होती है। इतने ज्यादा कर्व्स के साथ मेट्रो चलाने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। भारत की किसी भी रेल या किसी भी मेट्रो से ज्यादा है जयपुर मेट्रो का घुमाव, और इस लगभग 120 डिग्री के घुमाव के साथ मेट्रो का संचालन होता है, और इस डिग्री पर इस घुमाव के साथ मेट्रो को चलना पड़ता है, जो कि बेहद सावधानी से चलना पड़ता है और बहुत ज्यादा इसमें खतरा भी रहता है। इसके लिए मेट्रो ने कई सारे प्रिकॉशंस रख रखे हैं, और अब मेट्रो एक नई तकनीक के साथ इस घुमाव से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए इस नई तकनीक के दो नए इंस्ट्रूमेंट्स मेट्रो ला चुका है। जयपुर मेट्रो में सिविल लाइन्स मेट्रो स्टेशन से जयपुर रेलवे स्टेशन के बीच सबसे लंबा कर्व है, और सिंधी कैंप से रेलवे स्टेशन के बीच सबसे गहरा कर्व। इन कर्व्स में मेट्रो संचालन करना बड़ी चुनौती होती है। भारत की ट्रेन्स और मेट्रो में जयपुर मेट्रो में सबसे ज्यादा घुमाव। घुमाव के दौरान बढ़ जाता है पहिए और पटरी के बीच तनाव। तनाव से होती है आवाज और बढ़ता है खतरा। खतरे को कम करने के लिए गति प्रतिबंध लगाए जाते हैं। पहियों के किनारे पर लगाई जाती है ग्रीस। स्पीड तेज हो तो मेट्रो के उछलने की रहती है आशंका। पहियों पर ग्रीस लगाने के लिए मेट्रो की नई तकनीक। अब इन कर्व्स से निपटने के लिए जयपुर मेट्रो ने खरीदे हैं दो नए व्हील फ्रेंज लुब्रिकेटर। देखिए कि कोई भी मेट्रो जो है वो किसी शहर के एक घने क्षेत्र में होकर निकलती है, और मेट्रो की डिजाइन में ध्यान रखा जाता है कि जो बिल्डिंग्स आ रही है उनका नुकसान कम से कम हो, और ज्यादा से ज्यादा रोड के मीडियन का उपयोग किया जाए, ताकि रोड पे जो वाहन चल रहे हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं हो, और जो लोग पहले से रह रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय कर रहे हैं या निवास कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं हो। इसी कारण मेट्रो में कर्व देने पड़ते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन कर्व्स पर जयपुर मेट्रो केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी 9 किलोमीटर की मेट्रो को घुमाव वाले करीब 3 किलोमीटर का इलाका पार करने में 10 मिनट लगते हैं। मेट्रो प्रशासन का ये कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कम से कम निर्माण को तोड़ने के मकसद से ट्रैक में इतने कर्व्स देने पड़े। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर।